व्हाट्सएप इस पर्टिकुलर वीडियो में हम मशीन लर्निंग से रिलेटेड एक दूसरी इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं, और वो क्वेश्चन है कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग, राइट। तो अक्सर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया तो आप आंसर किस टर्म में इसको दे रहे हो। तो पहले तो जो अलग अलग कैटेगरीज डिवाइड है, मेन थ्री कैटेगरीज हैं मशीन लर्निंग में। एक है सुपरवाइज लर्निंग, दूसरी अनसुपरवाइज लर्निंग, और तीसरी मेनली मॉडिफाइड फॉर्मेशन, या कह सकते हैं अपडेटेड फॉर्मेशन ऑफ अनसुपरवाइज लर्निंग के अंदर ही आती है, दैट इज कॉल्ड री इन्फोर्समेंट लर्निंग। तो मेन कैटेगरी तो सुपरवाइज और अनसुपरवाइज की है, लेकिन स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग हम एक तीसरी कैटेगरी भी कभी कभी डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज री इन्फोर्समेंट लर्निंग। तो सुपरवाइज लर्निंग क्या है? सुपरवाइज लर्निंग ऐसी लर्निंग है जिसमें मशीन को कोई सुपरवाइज करे, कोई गाइड करे, यानी उसके पास पहले से कुछ ट्रेनिंग डेटा हो। ओके, तो सुपरवाइज लर्निंग में जो मशीन होती है वो लेबल्ड डेटा के थ्रू लर्न करती है, जबकि अनसुपरवाइज लर्निंग में कोई भी लेबल्ड डेटा नहीं होता, कोई गाइडेंस नहीं होता, मशीन को अपने आप अपने एक्सपीरियंस से सीखना होता है। वहीं पे जो रीइन्फोर्समेंट लर्निंग है वो एक तरीके की अनसुपरवाइज लर्निंग है, जिसमें कि हम उसके एरर्स को फाइंड करते हैं और उसको कुछ रिवॉर्ड्स देते हैं, तो रीइन्फोर्स करते हैं किसी चीज को लर्न करने के लिए ऑन द बेसिस ऑफ रिवॉर्ड्स, यू कैन से। प्रॉब्लम्स किस तरीके की आती हैं सुपरवाइज लर्निंग में? रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन। अनसुपरवाइज लर्निंग में एसोसिएशन एंड क्लस्टरिंग, और रीइन्फोर्समेंट लर्निंग आर रिवॉर्ड बेस्ड। ओके, किस तरीके का डेटा? जैसे हमने पहले कहा, लेबल्ड डेटा यूज होता है सुपरवाइज लर्निंग में, जबकि अनसुपरवाइज लर्निंग में हम अनलेबल्ड डेटा को यूज करते हैं, जबकि रीइन्फोर्समेंट में कोई प्रीडिफाइंड डेटा नहीं होता। ट्रेनिंग के केस में सुपरवाइज लर्निंग में हमारे पास एक एक्सटर्नल सुपरविजन होना चाहिए, यानी एक ट्रेनिंग सेट होना चाहिए, इसमें कोई भी ट्रेनिंग सेट नहीं होता, और रीइन्फोर्समेंट में भी कोई ट्रेनिंग सेट नहीं होता। अप्रोच जो हम फॉलो करते हैं वो क्या करते हैं, हम लेबल्ड इनपुट को नोन आउटपुट में मैपिंग करते हैं, जबकि अनसुपरवाइज लर्निंग में हम पैटर्न्स को फाइंड आउट करते हैं और आउटपुट को डिस्कवर करते हैं, और रीइन्फोर्समेंट में हम नॉर्मली ट्रेल एंड एरर मेथड को फॉलो करते हैं। जो पॉपुलर एल्गोरिदम्स आपकी सुपरवाइज लर्निंग में इस्तेमाल की जाती हैं, दे आर लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, सपोर्ट वेक्टर मशीन, नियरेस्ट नेबरहुड नेटवर्क एक्सेट्रा, जबकि अनसुपरवाइज लर्निंग में के मीन्स क्लस्टरिंग, सी मीन्स क्लस्टरिंग एक्सेट्रा, ये आपका अनसुपरवाइज लर्निंग में आते हैं। और रीइन्फोर्समेंट लर्निंग में वी हैव सम कॉमन मेथड्स लाइक क्यू लर्निंग एंड सारसा, SARSA। ओके, सो दीज आर द बेसिक मेथड्स, जो पॉपुलर एल्गोरिदम्स हैं जो हम जो पर्टिकुलरली फॉलो करते हैं इस तरीके की लर्निंग को। तो अगर हम मीन वाइल टोटल समराइज करें इन शॉर्ट टर्म्स, तो वी विल से दैट मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स कैन बी डिवाइडेड इनटू सुपरवाइज्ड एंड अनसुपरवाइज्ड। बेसिकली हमने एक और मेथड भी डिस्कस किया प्रीवियस स्लाइड में, री इन्फोर्समेंट लर्निंग, वो एक सेपरेट कैटेगरी है। बेसिकली वी हैव सुपरवाइज्ड या अनसुपरवाइज्ड, ठीक है। रीइन्फोर्समेंट समटाइम्स कैन बी कैटेगराइज्ड अंडर अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, क्योंकि वहां भी कोई सुपरविजन नहीं है हमारे पास। देन सुपरवाइज कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स, क्लासिफिकेशन जिसमें हम डिस्क्रीट रिस्पॉन्सेस को प्रिडिक्ट करते हैं, और रिग्रेशन जिसमें हम कंटिन्यूअस रिस्पॉन्सेस को प्रिडिक्ट करते हैं। तो दो तरीके से हमारे पास क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन आता है। अनसुपरवाइज में हमारे पास क्लस्टरिंग है और एसोसिएशन है, जिसमें हम रिलेशनशिप्स को फाइंड करते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास ये पर्टिकुलर एक ट्री बन जाती है, जो अलग अलग टाइप ऑफ लर्निंग एल्गोरिदम्स को डिफाइन करती है। मशीन लर्निंग सुपरवाइज अनसुपरवाइज, सुपरवाइज क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन, अनसुपरवाइज क्लस्टरिंग एंड एसोसिएशन। सो गाइज, दीज वर द बेसिक मैथड्स दैट वी कैन से कि अलग अलग हमारे पास मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स हैं, और टोटली मशीन लर्निंग के जो भी एल्गोरिदम है वो बेसिकली इन दो क्लासिफिकेशन में आएंगी ही आएंगी। सो दिस वॉज द अनदर इंटरव्यू क्वेश्चन दैट यूज टू बी आस्क्ड इन इन योर इंटरव्यू सेक्शन। सो अगले वीडियो में हम एक और इंटरव्यू क्वेश्चन को लेकर आएंगे और उसको प्रॉपरली डिस्कस करेंगे। टिल देन, इफ यू हैव एनी क्वेरीज एंड डाउट, यू कैन मेक इट इन कमेंट सेक्शन, और प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस। थैंक यू वेरी मच।